आज के समय में जहां अस्पतालों द्वारा गरीबों को लूटा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। और उन्हीं डॉक्टरों में से एक हैं डॉक्टर दिवाकर, जो बिना पैसे लिए इस नेक काम में लगे हुए हैं। एक बार फिर उन्होंने एवं उनकी टीम ने बिना किसी फीस लिए एक महिला का जटिल ऑपरेशन किया। महिला के पैर में ट्यूमर था, जिसका इलाज का खर्च लगभग 5 लाख था, लेकिन डॉक्टर दिवाकर की टीम ने बिना किसी फीस के सफल ऑपरेशन किया। बताया जा रहा है कि महिला इस बीमारी से पिछले 10 वर्ष से परेशान थी, जिसके कारण उसका जीना दुश्वार हो गया था। इलाज के लिए इतने पैसे नहीं थे कि वो इसे ठीक करा सके। महिला एवं उसके परिवार की गरीबी को देखते हुए डॉक्टर दिवाकर ने बिना किसी फीस के उसके ऑपरेशन का निर्णय लिया। जांच करवाने के बाद उन्हें 5 दिन का फुर्सत दे दिया जी। फिर हमें इलाज महंगा पड़ा तो हमने जला के भर्ती कर दिया। आज ऑपरेशन हो गया 11 बजे जी, ऑपरेशन नॉर्मल हो गया। ये एक तरह का कैंसर होता है जिसको एग्रेसिव एंजियो मिक्सोमा बोलते हैं, और ये बहुत रेयरेस्ट कैंसर है जो कि महिलाओं को बहुत ही कम महिलाओं को होता है, और शायद 1 या 2 करोड़ महिलाओं में से 1 महिला को होता है। 2010 में इसका केस लास्ट डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद से अभी तक कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ। इसके कारण जो महिलाओं को परेशानी आ रही थी, दो दैनिक दिनचर्या के काम होते हैं उसमें परेशानी आ रही थी, और सोशल लाइफ जो होती है वो भी मेंटली जो ट्रामा होता है उसके जो दिमागी रूप से आदमी को ये चीज़ परेशान करती है कि मेरे शरीर में ये चीज़ क्या है। उज्जैन से राहुल कुमावत के साथ इरफान खान अंसारी की रिपोर्ट।